नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 11 एक यात्रा यह भी, इसके राइटर है रामदर्श मिश्र और साहित्य का प्रकार है कहानी। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को पूरी यहाँ पे खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। एक यात्रा यह भी, इसमें लेखक को यात्रा करने से डर लगता है। यात्रा भीरू यानी यात्रा करने से डरने वाला, यात्रा यानी मुसाफरी, उनको डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि अनसंट जो किराया मांगते हैं उनसे लगता है, तो एक बार उनको जाना पड़ता है ऐसे ही यात्रा के लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर के पास उनकी अपॉइंटमेंट थी, और जिनके कारण वहाँ पर उन्हें एक रिक्शा वाला मिलता है। उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार पर ये मुग्ध हो जाते हैं और अंत में उसके साथ आत्मीयपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। उसके जीवन के बारे में जब हम वो सोचते हैं, उसके जीवन के बारे में पूछते हैं, तो पता चलता है कि एक स्त्री की उसने किस तरह रक्षा की है। जो स्त्री सम्मान, नारी सुरक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते। तो मोहन एक ऐसा लड़का है कि जिन्होंने अपने जीवन द्वारा, अपने कर्तव्य द्वारा इसे पूर्ण किया है। चैप्टर है, मैं बहुत यात्रा भीरु हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाला शब्दार्थ है। लेखक जो है अपने आप कहते हैं कोई वो यात्रा भीरु है, क्योंकि यात्रा के दौरान न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ना यानी मिलना। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनसंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से, असहजता यानी असुविधा। और अंतसंत यानी मनमाना, मन चाहा मनमाना, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अपने मुंह से जैसा निकले इतना ही वो किराया मांगते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बड़ी होती है, क्योंकि यात्रा करते समय शहर भी नया होता है, तो न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे रिक्शा वालों से पाला पड़ेगा, और नए यही चिंता सब रहती है। तो इस बार डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वासन बना हुआ था। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए, हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया, हम कुछ बोले नहीं, बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति देना यानी सहमति दे दी। देखो, ग्वालियर जाना पड़ा, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी, इसलिए आश्वस्त थी यानी आश्वासन बना हुआ था कि चलो अकेले नहीं है, साथ में तो कोई और है, जिसके कारण उन्हें बहुत चिंता न थी। स्टेशन पर उतरते ही बहुत सारे ऑटो वाले पीछे पड़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। तब एक नवयुवक
उनके सामने आया, उनके साथ साथ लग गया, यानि कि उनके पीछे पीछे ही चलने लगा और आगे बढ़ते हुए ने पीछे से आवाज़ लगाई, बाबूजी। और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा कि आप कहीं ना कहीं तो जाने वाले ही है, कोई ऑटो करेंगे ही तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ, उसकी आवाज़ में ऐसा आकर्षण का अनुभव हुआ कि उन्होंने उसको स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ पर उनकी पत्नी और लेखक को जाना था उसी डॉक्टर के पास उन्हें पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे डॉक्टर के पास, वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। वहाँ पर जाते हैं, वांछित यानी उसके जितने पैसे हुए उतने पैसे उन्होंने दिए और बाद में डॉक्टर के घर की डोरबेल बजाई। लेकिन ज्ञात हुआ, फिर पता चला कि क्लिनिक की जगह बदल दी गई है, क्योंकि अपॉइंटमेंट उन्होंने ली थी उस समय यहाँ पे अस्पताल था, लेकिन अब जगह उसकी बदल दी थी। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार यानी प्रतीक्षा। यात्री को जहाँ जिस जगह जाना होता है वहाँ पर छोड़कर ऑटो वाला वहाँ से फिर निकल जाता, उसे पैसे मिल जाए, यात्री को छोड़ दिया तो उसका काम क्या होगा, उसे छोड़कर वहाँ से चले जाना। लेकिन ये ऑटो वाला कोई अजीब ही था, उनको वहाँ पर डॉक्टर के क्लिनिक की जगह पर उतार दिया, पैसे भी ले लिए, लेकिन वापस वहीं पर ही खड़ा रहा। ऑटो वाला बिना हमारे कहे, देखो उन्होंने कहा नहीं था कि मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक आपको यहाँ पे खड़े रहना है, लेकिन वो वहाँ पर ही उनका इंतज़ार करता रहा। हमें नई जगह पहुँचा दिया, मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ। देखो क्लिनिक की जगह बदल दी थी गई थी, लेकिन फिर वो वहाँ पर उनका इंतज़ार करता रहा और जो नई क्लिनिक की जगह थी वहाँ पर उनको छोड़ भी दिया। तब लेखक ने कहा कितने पैसे दे दूँ, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया अतिरिक्त तो न होगा ना, नहीं वहाँ से यहाँ का वो बहुत ज़्यादा कोई किराया है नहीं, आपकी जो इच्छा वो हो वो दे दो। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे, अब क्लिनिक आए हैं और क्लिनिक के बाद और कहीं भी जाने वाले हैं, यानी बाबूजी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है, पहले घर के जगह पर ले गए, बाद में क्लिनिक की जगह पर पहुँचा दिया और फिर पूछा कि आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो, तो उन्होंने होटल का नाम बता दिया। लेकिन लेखक ने उनको कहा कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि हमें यहाँ पर देर भी लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं, हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहाँ वहीं पर खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। एक घंटे भर तक उन्होंने वहाँ पर उसका, उन दोनों पति पत्नी लेखक और उनकी पत्नी का इंतजार करते रहे, लेकिन वो वहाँ से गया नहीं। तब उनकी पत्नी और दोनों को महसूस हुआ कि यह ऑटो वाला कोई और ही है। वह हमारे भीतर पर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ, और फिर उनको जो होटल का एड्रेस बताया वहाँ पर पहुँच गए और पूछा अब फिर कब आऊँ, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे, आपको वहाँ जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है। उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर रहे, इस शहर में है आए हैं तो फिर घूमेंगे फिरेंगे, तो फिर मैं आपको लेने कब आऊँ, कल शताब्दी से लौटेंगे, शताब्दी ट्रेन का नाम है, शताब्दी एक्सप्रेस जो आती है, तो कहते हैं कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आऊँ, भाई आज तो हम थके हैं आराम करेंगे, कल जाएंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला
लीजिएगा। उसने उसका फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आपको जब जाना हो आप मुझे बुला लीजिएगा, और तुम्हें अपना नाम तो बताया नहीं। और लेखक ने पूछा कि इतनी बात तो हो गई लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मोहन, मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। यह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा कहता था। देखो, नए शहर में उनको जाना था और नए शहर में घूमकर उन्होंने उनको जहाँ पर जाना था वहाँ पे पहुँचा दिया। एक एक जो स्थान था वह एक एक स्थान इतना अच्छा उनसे दिखाया। मुझे बाबूजी, लेखक को बाबूजी कहता था और उनकी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता था। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए कमरे में गए तो उसे भी वहाँ पर बुला लिया। बहुत संकोच के साथ आया, उसे बुलाया चाय पीने के लिए, लेकिन वो बहुत संकोच के साथ आया। चायपान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। मैंने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? पत्नी ने पूछा। देखो, चाय पी और उसी के साथ पारिवारिक वार्ता यानी अपने घर परिवार की बातें शुरू हुई। और पत्नी ने पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। मूलतः यानी मूल, मेरा गांव कहाँ का है? आगरा का। यहाँ आना पड़ गया। मैं वैसे तो आगरा का हूँ, मेरा घर आगरा में है, लेकिन मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। हमें लगा कि इतना कहते कहते वह कुछ वर्षा आया है इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं। भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था। कि इतनी ही बात कहते कहते वो थोड़ा सा भर आया। लेखक और उनकी पत्नी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने बोलना शुरू ही किया था कि वो आगरा में उसका घर है, उसके भाई है, उन्होंने उसकी परवरिश की। भाई पेशे से वकील है और वो बीए पास है और कहीं नौकरी की खोज ही कर रहा था कि, और उसी के साथ एक घटना बनी। एक चुप्पी सी छा गई। चुप्पी सी छा जाना यानी खामोशी छा जाना। एक चुप्पी सी छा गई और इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी। हमें लगा कि इसके साथ कोई ऐसी कुछ घटना घटी है कि जिनके कारण ये बोलते बोलते ही रुक गया। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी धिंधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। बदहवास, व्याकुल, और उसकी आवाज़ में करुणा थी। क्यों, क्या हुआ? और वो लड़की परिचित थी इसलिए मोहन को कहा कि मोहन मुझे बचा। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे, अधेड़ अधिक उम्र वाला। मेरे माँ बाप जो है मुझे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशट अधेड़ के साथ नहीं जाऊँ। खुशट यानी अप्रिय, खुशट यानी अप्रिय। मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस खुशट के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी दुविधा। मोहन को कहा बचा लो, और उसने जब सुना
कि उसको बेचा जा रहा है अधीर के हाथ, तो वो दुविधा में पड़ गए, क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, यहाँ पर स्टेशन यानी कौन सा, पुलिस स्टेशन। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयां की। वे कुछ सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। वो उसे स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ जाकर थानेदार को जो भी घटना घटी थी वो उनको सुनाई और वो कुछ सोचते रहे कि अब क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FRI लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। FRI लिखकर इसके माँ बाप को तो हवालात में जेल में डाल देता हूँ, लेकिन अभी जो है चिंता वो क्या है, इस लड़की की है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने नमे सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार ने कहा, थोड़ी सी चुप्पी छा गई, बाद में कहा कि तुम्हारी शादी हो गई तो मोहन ने नमे सिर हिलाया कि नहीं, तो फिर तुम ही इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो बोले, इसकी शादी मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसने बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। आकस्मिक प्रस्ताव था, इसके लिए वो थोड़ा सहम गए। बाद में उन्हें कहा, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे भी तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है, बात तय हो चुकी है, यानी भाभी उनकी बहन के साथ मेरी शादी कराना चाहती है और शादी फिक्स भी हो गई है। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, यहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित और अच्छे, और सबसे अहम बात कि यह संकट में है, इसे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानव भी अभी, और लेकिन फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर पर गई तो फिर वही बेच देने का संकट, मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज हो, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का आरोप भी रख सकते हैं। फिर थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए हमें नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की के माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखा कर रख लेता हूँ। देखो, पहले तो वो अगर उसे घर ले जाए तो घर पर भैया भाभी नाराज होंगे, लड़की उसके घर गई और अगर उसके साथ शादी हुई उसकी तो उसके माँ बाप लड़की भगाने का आरोप भी उस पर लग सकते हैं। तो थानेदार ने एक रास्ता निकाला कि थोड़े दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ और इसके बाद इसके माँ बाप के खिलाफ एक शिकायत लिखवा कर भी रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उनसे मेरी शादी करवा दी। जो थानेदार था उन्होंने 15 दिन बाद मोहन और उस लड़की की शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लगता है कोई कथा, जैसे कोई कहानी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन वह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। उनकी जो कविताएं वो मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई थी। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। भाई भाभी खफा हो गए क्योंकि उन्होंने उनके मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और दूसरी कि जिस लड़की से शादी की थी और जाति की थी, तो तुम
लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, पर वह परायापन अपनेपन से अच्छा है, जो दिन रात अप्रीति व्यवहार बनकर तन मन तो को उद्विग्न करता हो। उद्विग्न यानी अरुचिकर, यानी उद्विग्न यानी दुखी करता हो। तो हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। यानी यहाँ पर आऊँ फिर नौकरी मिले, ऐसा तो सीध सरल बात नहीं थी। मैं आया और ऑटो का दामन ऑटो पकड़ लिया और वहीं से हमारा निर्वाह होता है। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, ये कौन कहता है? लेखक कहते हैं। क्यों? तो कि बड़े बड़े लोग तो नारी निकेतन, नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उससे सम्मानपूर्वक भी बचाया। यानी बचाया तो सही, लेकिन उसे उसको एक सम्मान भरी जीवन, सम्मानपूर्वक पत्नी का दर्जा भी दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला है। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह मुझे प्रायः संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, उन्होंने रहने दीजिए बाबूजी, 500 का नोट दिया तो बोला रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तो तुम्हारा पारिश्रमिक है, थोड़ी कोई दान दे रहा हूँ बाबूजी। मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से लग रहा था कि मुझे माँ बाप मिल गए। इन सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं, पैसा तो औरों से कमा ही लेता हूँ, क्योंकि उनके लेखक और उनकी पत्नी के साथ जो आत्मीयता हो गई थी, इससे उसे लगा कि उसे क्या मिल गए हैं, माँ बाप। रहने दीजिए बाबूजी, पैसे तो मैं और लोगों से कमा ही लेता हूँ, लेकिन यह तो बहुत है। लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मोहन बोलता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर उसने 500 का नोट रख लिया और 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, फोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त। क्या वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही होंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, या कैसे शर्त रख ली आपने बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने कहा, मैं हूँ सत्य के ऋतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। देखो, ये मोहन है छोटा, लेकिन इतना बड़ा काम किया कि एक दुर्दशाग्रस्त लड़की को बचा लिया। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाभी के परिवार के वाले लोग तो अच्छे हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा सकता है। लेकिन जो मुसीबत में है, उस लड़की को बचाकर भाई भाभी से नाराज होकर उसने शादी की, लेकिन एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो कहते हैं, कथनी और करनी में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, लेकिन मोहन ऐसा लड़का है नहीं। थैंक यू।